नियंत्रण रेखा के नजदीकी गांव में मिला जिंदा मोर्टार शेल बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सटे गांव अजोट में खुदाई के दौरान पाकिस्तानी जिंदा मोर्टार शेल मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और मोर्टार शेल को कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निष्क्रिय किया। जनाब इधर खुदाई का काम चल रहा है, थोड़ा काम कर रहे हैं। खुदाई के दौरान एक शेल मिला, पाकिस्तान की ओर से आया थे। इधर गोलाबारी होती रहती है बॉर्डर पे, तो जिंदा शेल है। हमने तुरंत फौरन इनको सूचना दी पुलिस को, उसके बाद पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिस पहुंची और उसके बाद आर्मी के जवान पहुंचे हुए हैं, अभी उधर ही खड़े हैं। इसके बाद कोई पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, ले जाना है, क्या करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है उनकी। हाँ जी, इधर गांव में शेल पड़ते रहते हैं, गांव में दहशत का माहौल तो है ही, बॉर्डर के नज़दीक है ना ये। इधर के काम लगा था जोट में, तो गांव वाले लोगों ने खुदाई करते वक्त यहाँ से शेल मिला, तो उन्होंने एसएसपी साहब को कॉल किया, तो एसएसपी साहब ने हमें इन्फॉर्म किया, तो हम तुरंत इधर आके पहुंच के तो अपना पुलिस का बम स्क्वाड और आर्मी का बम स्क्वाड को वो भी पहुंच गया इधर। अभी इसकी टीम आ चुकी है, तो इसको अभी डिफ्यूज करने की अपना सेफ जगह देखे। जैसे कितना पुराना ये सर? 2 साल पुराना है। 2 साल पहले यहाँ बहुत शेलिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, तो ये 120 मार्टर गन का शेल है।